हेलो एवरीवन, सोशल साइंस सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यानी सिविक्स का जो बुक है उसका लेसन वन अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी आज हम पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता, अलग अलग होना, किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ से अलग होना डाइवर्सिटी कहलाता है। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे आपकी बुक में यहाँ पे तीन ड्राइंग्स बनी हुई है, ये तीन अलग अलग बच्चों ने बनाई है। आप देख सकते हैं कि तीनों बच्चों ने जो ड्राइंग्स बनाई है वो एक दूसरे से अलग है। ये अलग होना ही इनके डाइवर्सिटी होती है। अगर हम देखें, लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम, डू यू सी एनी वन हु लुक एग्जैक्टली लाइक यू डू? इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजन, कल्चर और रिलीजियस बैकग्राउंड। दिस डिफरेंसेस एनरिच अवर लाइव्स इन मैनी वेज एंड ऑल्सो मेक देम मोर फन। यानी यहाँ कहा गया है कि अगर आप अपने क्लासरूम में सभी बच्चों को देखेंगे तो क्या आपके जैसा ही कोई बच्चा आपको नज़र आएगा? नहीं, वो सारे बच्चे जो हैं आपसे बिल्कुल अलग नज़र आएंगे। ना सिर्फ वो देखने में अलग होंगे बल्कि वो एक डिफरेंट जो रीजन है वहाँ से आए होंगे, उनका कल्चर भी अलग होगा, उनका रिलीजियस यानी उनका धर्म भी अलग होगा। और यही जो डिफरेंस है यही हमारी ज़िंदगी को मज़ेदार बनाता है। ऑल दिस डिफरेंट पीपल हु कम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड्स एंड बिलोंग टू ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजन एंड कल्चर्स हैव टू मेक इंडिया सो इंटरेस्टिंग एंड सो डाइवर्स। तो ये जो सारे अलग अलग लोग हैं जो भारत के अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, जो अलग अलग रिलीजन से और अलग अलग समाज से रिलेट करते हैं, वही हमारे भारत को दिलचस्प बनाते हैं और डाइवर्स बनाते हैं यानी अलग बनाते हैं। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स? हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस? ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी? कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी पार्ट ऑफ यूनिटी? रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर। यानी कि ये जो सारे अलग अलग धर्म के, समाज के, बैकग्राउंड के लोग हैं वो इंडिया में कहाँ से आए, और क्या ये जो सारा जो भिन्नता है, अलग अलग जो हैं, क्या वो डाइवर्सिटी का हिस्सा है? और क्या ये डाइवर्सिटी जो है, जो भिन्नता है, क्या वो एकता का प्रतीक है? क्या ये एकता का हिस्सा है? तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे और इसका जवाब ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो पिक्चर्स की बात मैंने की थी वो थ्री चिल्ड्रन अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर अबाउट, यानी आप ही के उम्र के तीन बच्चों ने ये तीन पिक्चर्स बनाई है। यूज़ द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। अब यहाँ पे एक एम्प्टी बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ आपसे एक इंसान का चित्र बनाने के लिए कहा गया है। तो इस बुक में आप अपनी बुक में यहाँ पर एक इंसान का चित्र बनाकर देखेंगे। इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स? और ड्राइंग बनाने के बाद आप चेक करेंगे कि ये जो तीन ड्राइंग्स हैं क्या आपकी ड्राइंग इन ड्राइंग्स से सिमिलर है, मतलब वैसी लग रही है। द चांसेस डेट योर ड्राइंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आप देखेंगे जब ड्राइंग आप बना लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो ड्राइंग है वो इन तीनों ड्राइंग से बिल्कुल अलग नज़र आ रही होगी। दिस इज़ बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज़ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सबके ड्राइंग करने की जो स्टाइल है वो बिल्कुल अलग अलग है। वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट ऑल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज वी स्पीक, अवर कल्चरल बैकग्राउंड, रिलीजियस रिचुअल्स वी ऑब्जर्व एंड ऑफकोर्स द वे वी टॉक। तो ना सिर्फ हमारी ड्राइंग बनाने की स्टाइल अलग है बल्कि हम जो हैं हम दिखते भी अलग अलग हैं। हम अगर मान लीजिए दो इंसान हैं और दो इंसानों का नाम अगर एक जैसा ही है, समझ लीजिए कि किसी का नाम श्याम है और दूसरे का भी नाम श्याम है, तो वो दोनों के नाम भले ही एक जैसे हों लेकिन उनकी पर्सनालिटीज़ जो होंगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो हम सब जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए हैं, हमारी जो भाषाएँ हम बोलते हैं वो भी अलग हैं, और हम जिस जो धर्म मानते हैं, हमारे जो नियम हैं वो भी अलग होते हैं, जैसे कि हम ड्राइंग्स भी अलग अलग बनाते हैं। तो ये डाइवर्सिटी है, भिन्नता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ, यानी कि अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भरने के बारे में कहा गया है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनका आंसर्स देना है। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग,
यानी जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं क्या पहनना पसंद करता हूँ वो हम लिख सकते हैं। अगर आप जीन्स टी शर्ट पहनना पसंद करते हैं तो वो लिख सकते हैं, कुर्ता पजामा है, पैंट शर्ट है। अगर गर्ल्स हैं तो वो स्कर्ट पहनना पसंद करेंगे, सलवार सूट पहनना पसंद करेंगे। फिर है एट होम आई स्पीक इन, यानी घर में मैं कौन सी भाषा बोलता हूँ। तो जो मदर टंग है, घर में हम हमेशा अपनी मदर टंग बोलते हैं यानी मातृभाषा। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी मातृभाषा हिंदी ही हो, हमारी मातृभाषा मराठी हो सकती है, बंगाली हो सकती है, पंजाबी हो सकती है। तो जो भी घर में आप भाषा बोलते हैं वो। माय फेवरेट स्पोर्ट इज़, यानी मेरा पसंदीदा स्पोर्ट कौन सा है, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वो हमें लिखना है। और आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, यानी मैं किताबें किस बारे में पढ़ना पसंद करता हूँ। हम सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, कुछ लोगों को स्टोरीज़ पढ़ना पसंद होता है, कुछ लोगों को एडवेंचर पसंद होता है, कुछ लोगों को बायोग्राफी पसंद आती है, तो वो अलग अलग तरीके की किताब पढ़ना पसंद करते हैं। तो इसको भरने के बाद जो कहा गया है, ना आस्क योर टीचर टू हैव यू चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स, इज देयर एनीवन हुज़ लिस्ट मैचेस योर एग्जैक्टली, प्रोबेबली नॉट बट मेनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर, हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स, हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट इन क्लास। तो यह टीचर से मदद लेने के लिए कहा गया है और ये चेक करने के लिए कहा गया है कि कितने बच्चों का जो आंसर है वो एक जैसा है, ठीक है। क्योंकि बहुत कम ऐसा होगा कि किसी के आंसर एक जैसे हो भी सकते हैं, ठीक है। अगर किसी ने कहा हो कि उसे जीन्स टी शर्ट पहनना पसंद है तो हो सकता है आपका आंसर भी जीन्स टी शर्ट ही हो। आपने अगर लिखा है कि मैं हिंदी बोलता हूँ घर में तो हो सकता है और भी बच्चों ने हिंदी लिखा हो। फेवरेट स्पोर्ट अगर आपका क्रिकेट है तो कई बच्चों का क्रिकेट फेवरेट होगा। और इसी तरह अगर आपको मान लीजिए कि बायोग्राफी पढ़ना पसंद है तो कई बच्चों ने बायोग्राफी लिखी होगी। तो कई बच्चों का आंसर एक जैसा होगा, लेकिन चांसेस इसके ऐसे ही हैं कि अधिकतर बच्चों के जो आंसर्स हैं वो अलग अलग होंगे। तो यही डाइवर्सिटी होती है, ठीक है ना। बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड द मेनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट एंड अदर वेज इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम। अब तक आपको ये पता चल जाएगा, आप ये पहचान लोगे इस बात को कि किस तरह आप अपने साथ में पढ़ने वाले जो क्लासमेट्स हैं उनमें से कईयों से आप मिलते जुलते हैं, यानी आपके इंटरेस्ट जो हैं, आपकी जो पसंद नापसंद है वो उनके साथ मैच हो गई होगी। लेकिन फिर भी कई तरफ से आप जो है उनसे बिल्कुल अलग होंगे, ठीक है ना। यानी कि आप किसी के भी एक समान नहीं होंगे, आपके और आपके जो क्लासमेट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता यानी डाइवर्सिटी ज़रूर होगी। तो आज के लिए हम इस लेसन में इतना ही, ये एक तरह से इसका इंट्रोडक्शन है। आगे के जो वीडियोज़ होंगे उसमें हम बाकी का लेसन पढ़ेंगे। थैंक यू।